सबको आप लोग सबको राम राम। इधर भी मेरे सामने मेरी माता बहने आप लोगों को भी, और मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने तो यहाँ सांचौर में और हमेशा करते हैं आप लोगों ने जोरदार कमाल किया है। पूरा का पूरा सांचौर और आसपास का पूरा इलाका सब यहाँ उड़ेल के आ गए हो, और आप लोगों ने जिस तरीके से समर्थन, जिस तरीके से प्यार और जिस तरीके से ऊर्जा भरने की हमने कोशिश की है भाइयों, इसी के लिए हम सब आपके लिए भागते रहते हैं। आपका प्यार इस तरीके से मिलता रहे, आपका इसी तरीके से आशीर्वाद मिलता रहे, और मैं मानती हूँ कि हमको दौड़ाओ भगाओ कुछ भी कर लो, सब करने को तैयार है, बस आपका प्यार बना रहे। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मंच पर उपस्थित श्री श्री 108 तीर्थगिरी जी महाराज, श्री श्री 1008 पवनगिरी जी महाराज और श्री श्री 108 सखनगिरी जी महाराज सब उपस्थित हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मेरे जो भी हमने को मिला है भारतीय जनता पार्टी को, हम सबको, वो सब ईश्वर की वजह से और संतों के आशीर्वाद से ये सब हम लोगों को मिला है। और मैं ये मान के चलती हूँ कि आज हमारे मंच पे उनका ये रहना, जो लोग मेरे कहते हैं ना कि वसुंधरा राजे ईश्वर के भरोसे ही सब कुछ करती है, तो आप करती हो और आज करती हो, इसकी वजह से इतना सारा प्यार, इतना सारा विश्वास आप लोगों से मिला है। मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि महाराज साहब, बाप जी, आप लोग सब मंच के ऊपर उपस्थित हैं। आप लोगों का मैं बिल्कुल हृदय से और नतमस्तक होकर आज यहाँ मंच पर स्वागत करती हूँ। इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, सांसद देवजी पटेल जी, पूर्व मंत्री सावरलाल जी जाट, हमारे महामंत्री बोरा जी, पूर्व मंत्री गजेंद्र जी खीमसर, हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री फिरोज खां, जिला अध्यक्ष देवल जी और विधायक पूरा राम जी, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आर के पुरोहित जी और हमारे लाडले विधायक यहाँ के जीवाराम जी, और यहाँ उपस्थित सब मेरी माता है बहने जो इतनी सारी संख्या में आज यहाँ आई है, और साथ साथ आप लोग सब मेरे भाई और बुजुर्गण, सब परिवारजन जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप सबको दिल से आभार और बहुत बहुत प्रणाम मैं सब लोगों को करना चाहूंगा। आज रस्ते भर मेरे को नर्मदा 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 ही याद आई है। मैं जहां भी गई हूँ, जिस गांव में रुकी हूँ, सबसे पहले लोगों ने हाथ ऊपर करके मेरे से यही कहा है कि नर्मदा नर्मदा का पानी। अब आप लोग भी मुझे शायद यही कहोगे कि नर्मदा और नर्मदा का पानी, उसका क्या हो रहा है और क्या करने वाले हो। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमने जालौर जिले के 1500 करोड़ रुपया की नर्मदा पेयजल योजना स्वीकृत की थी। आपको याद है कि उस समय एमएलए साहब थे आपके जीवाराम जी, जब हम लोगों ने पहले नरेंद्र भाई से बात की, जब हमने पहले पैसों का इंतजाम किया, हमको लगे तीन साल, परंतु हमने उनसे बातचीत कर आके और वो नर्मदा का पानी यहाँ तक लाने का एक बहुत बड़ा काम किया था, जो आज दिन तक ये लोग नहीं कर पाए थे। मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछती हूँ कि 50 साल तो इनके राज के निकल गए, क्यों नहीं इन लोगों ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात किया, ये हमारा पानी था, क्यों नहीं हमारे हक के लिए इनने उनसे बात करके 50 साल के अंदर लाके पानी का इंतजाम कर दिया। क्यों उन्हीं 5 साल के अंदर जब हम लोगों को राज मिला कि हम लोगों ने नर्मदा का पानी की बात करके और गुजरात से इंतजाम करके यहाँ तक लाने का काम किया, ये अगर 5 साल में हो सकता था तो ये 50 साल में आज तक क्यों नहीं हुआ, ये पूछने वाली बात है भाइयों। मैं सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये आज भी इसी तरीके से काम चल रहा है, 4.5 साल निकल गए, हम लोगों ने जालौर जिले के 610 गांव और सांचौर तहसील के सांचौर सहित 222 गांव शामिल करे थे। इस योजना को कांग्रेस सरकार आगे बिल्कुल ही नहीं बढ़ा सकी, नतीजा ये रहा कि सांचौर के सिर्फ 10 गांव के अंदर पानी आया है। मैंने तो सब पूरा पानी लाने का काम किया, उसके पाइपलाइन बिछाने का भी काम किया,
और मैं समझती हूँ कि इतना करीब आके पानी नहीं पहुंचना, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? ये बताएं, मैं तो मानती हूँ कि इतना बड़ा पाप हुआ है। जब तक हमारी सरकार थी तब तक हम नहर में लाए, तब तक नर्मदेश्वर का मंदिर भी अपन लोगों ने बनाया, तब तक वहाँ पानी का इंतजाम भी किया। मैं तो समझती हूँ कि वो नर्मदा लिफ्ट भी अधूरा रह के वही के वही पड़ी रह गई। उसका भी काम ये लोग कर सकते थे क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी। भाइयों, सरकार के पास हमेशा पैसा होता है। और मैं आपको ये कह के रख रही हूँ कि जब 1500 करोड़ रुपया और इतना सारा पैसा हमने इसमें लगा दिया होता, तो पहले ही अगर ये काम कर लेते तो आज दिन तक कितने सारे लोगों को चालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सांचोर के अंदर पानी मिल जाता। आप सोचो, आज किसी को रास्ते पर मुझे कोई ये कहने की जरूरत नहीं होती। लगातार जगह जगह पे भीमा से पहले कल के दिन, आज के दिन यही सुनने को मिल रहा है कि नर्मदा का पानी कौन लाके हमको देगा। मैं सबको ये विश्वास रहना चाहती हूँ कि ये सरकार असमर्थ है। इस सरकार ने हरियाणा से बात नहीं की जबकि सरकार उनकी है। इनकी सरकार ने पंजाब से बात नहीं की जबकि उनकी सरकार है। उनकी सरकार ने यहाँ बात नहीं की। अगर नरेंद्र भाई से बात करनी होती तो मैं जानती हूँ कि सब काम करने के लिए नरेंद्र भाई जैसे गुजरात के लिए तैयार है, वैसे राजस्थान के लिए लगातार तैयार रहते हैं। इसलिए ये बात अटकती ही नहीं। परंतु जब कोई बताए नहीं तो क्या होगा? और आज मैं देख रही हूँ कि सांचोर के अंदर 3 दिन में एक बार 1-1.5 घंटे के लिए पानी आता है और पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि अब चुनाव का टाइम आ गया है। तो मैं सुनती हूँ कि मुख्यमंत्री ने आके या कोई शिलान्यास किया है। भाइयों, शिलान्यास से चुनाव नहीं जीते जाते। अगर जीते जाते तो कांग्रेस के इतने सारे पत्थर पूरे राजस्थान में पड़े हुए हैं जहां इन्होंने शिलान्यास किया है और रोज शिलान्यास कर रहे हैं और रोज घोषणाएं कर रहे हैं, परंतु घोषणाओं से हम लोग चुनाव नहीं जीतते। एक तरफ घोषणा होती है, एक तरफ उपलब्धि होती है। रोज अगर मैं घोषणा करूं तो मैं भी कर सकती हूँ। माता बहने, बिजली का इतना बड़ा काम हुआ, पहली दफा राजस्थान के अंदर हम लोगों ने आपके घरेलू बिजली देने का काम किया। और मैं जाने से पहले 18 से 20 घंटे बिजली आपको देके गई, गई कि नहीं? आप लोगों को सब मिली थी कि नहीं? आपको मिली थी 20 घंटे बिजली। और मैं आप लोगों को सबको ये कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी 6 महीने और ले जाती तो आप लोगों को 24 घंटे बिजली घरेलू आप लोगों को मिल जाती। और आने वाले समय में सरकार अपनी बनती है तो 24 घंटे बिजली आप लोगों को मिलेगी। ये मैं संकल्प लेके आप लोगों को कहना चाहती हूँ। इतना आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, परंतु सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सरकार को उसके लिए लगने की जरूरत है। मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ कि आज आप लोगों को बड़ी मुश्किल से बिजली मिल रही है, मात्र 6 या 7 घंटे, कहाँ 18 घंटे, कहाँ 6 या 7 घंटे। इसको ठीक करने के लिए ही अगर सरकार कर देती तो शायद आप लोगों को यह सब दुख देखने की जरूरत ही नहीं होती। आज मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। न पीने का पानी है, न बिजली है, न रोजगार है। और यहाँ बच्चे मेरे जो बैठे हुए हैं, मैं उनको सबको ये कहना चाहती हूँ, जगह जगह रास्ते पे उन्होंने मेरे को रोक के ये कहा है कि हमारे रोजगार का क्या इंतजाम होगा। मैं जानती हूँ कि वो गुजरात पास में है। आप लोग जाते हो गुजरात, देख के आते हो, आपको लगता है कि गुजरात के अंदर इतना अच्छा काम हुआ है तो राजस्थान के अंदर क्यों नहीं हो सकता? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का पलायन हो, हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के व्यवसाय वहां जाके खुले, हम नहीं चाहते कि हमारी मंडियां यहाँ से उठ के चली जाएं। ये सब जानते हैं कि ऊंजा में खुद गई थी और ऊंजा में देख के आई कि हमारी जीरा की मंडी, हमारी ईसबगोल की मंडी, ये सब मंडियां बाहर चली गई, ये सब वापस राजस्थान में कैसे आए उसका इंतजाम हम लोगों को करना चाहिए। हमारे व्यवसाय यहाँ लगे वहां नहीं जाए उसका इंतजाम हमको करना चाहिए। और हमारे बच्चों को पलायन करने की जरूरत ना हो, वो यहाँ अपनी नौकरी कर सके, इसका इंतजाम करने के लिए हम आपके सामने खड़े हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ हमारे नौजवानों को कि हमने अपने सरकार के टाइम में 10 लाख लोगों को नौकरी दी थी, सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां हमको मिलती थी। और आज मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि टीचर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए और बहुत सारी नौकरियां जो सरकार निकालती है वो टेट के अंदर टीचरों को बांधने की कोशिश करी है। मैंने सब लोगों को कह दिया कि टेट का प्रबंधन अपन करेंगे और आरपीएससी के द्वारा जिस तरीके से पहले आप लोगों को नौकरी देने का काम करते थे उस तरीके से फिर से नौकरी देने का काम करेंगे ताकि हमारे बच्चों को फिर से रोजगार मिले। शर्म आती है जब मैं देखती हूँ
जब मेरे बच्चे मेरे को कहते हैं कि साहब हमको अगर डॉक्टर या नहीं है तो हम लोगों को वहां जाना पड़ता है गुजरात। हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि हम लोगों को डिलीवरी के लिए गुजरात जाना पड़ता है, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। जगह जगह पे डॉक्टर नहीं है, जो महिला डॉक्टर है वो कहीं भी नहीं राजस्थान में मुझे मिली, कहीं भी नहीं मिली। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर के लिए भी वहां जाए, पढ़ाई के लिए भी वहां जाए, व्यवसाय के लिए भी वहां जाए, रोजगार के लिए भी वहां जाए, तो फिर राजस्थान में रखा क्या है? और वो ये राजस्थान था जो राजस्थान का इतना जोरदार इतिहास था। आप लोग सब जानते हो कि उस इतिहास को देखने के लिए, सुनने के लिए लोग बाहर से राजस्थान आया करते थे। आज राजस्थान का इतिहास ये है कि एससी और एसटी के लोगों को सबसे ज्यादा अगर मुश्किल कही है तो वो राजस्थान प्रदेश में है। महिलाओं को अगर सबसे ज्यादा मुश्किल कही है तो वो राजस्थान प्रदेश में है। चैने सबसे ज्यादा खींचती है तो वो राजस्थान प्रदेश में खींचती है। अरे भाई और बहनों, हमको इतना कलंकित कर दिया है, हमारे स्वाभिमान को इतना पैरों के नीचे रोंद के रख दिया है, हमारी इज्जत को बिल्कुल खत्म करने का काम किया है इस कांग्रेस सरकार ने। हमने समय देके उन लोगों के अंदर अपने पूरे क्षेत्र को डुबोने का काम किया है। और मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ, उधर नरेंद्र भाई ने 15 साल के अंदर गुजरात को दुनिया के पर्दे के ऊपर ला के रख दिया, उधर आपके शिवराज चौहान ने पूरी तरह से मध्य प्रदेश को 10 साल के अंदर बदल दिया। आप देख लीजिए कि छोटा सा प्रदेश छत्तीसगढ़, जहां भारतीय जनता पार्टी है, जब पूरे देश के अंदर बिजली की समस्या हो गई, पूरे ग्रिड कलैप्स हो गया, तो ऐसे वक्त में वो छत्तीसगढ़ प्रदेश था, जो छोटा सा प्रदेश, जिसके कंधे के ऊपर पूरे देश के बिजली का बोझ आया और उन्होंने सहके और पूरे देश को बिजली दी, वो था भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ प्रदेश। आज ये स्थिति है, हमारे यहाँ बिजली की हालत क्या है, हमारे किसानों से हम पूछते हैं कि आपको 8 घंटे बिजली मिल रही है क्या? अरे हमको उनके घोषणा पत्र को पढ़ने को मिला और उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये कह दिया कि ये चिंता मत करो, हम तो हमारे लोगों को आराम से 8 घंटे बिजली लगातार देंगे। दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं क्या? कहीं नहीं मिल रहा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो किसान जिससे हम सब अपेक्षा करते हैं कि हमारे प्रदेश के लिए वो हमारे पूरा काम करेंगे, हमारे प्रदेश के लिए अपने पैरों पे खड़ा करके हमारे अपने खेतों से हमारा इंतजाम करेंगे, वो किसान करेगा कैसे जब उसको बिजली नहीं है, जब उसको पानी नहीं है, जब उसको खाद नहीं है, टाइम पे नहीं मिलता है, और जब बीज मिलता है तो वो नकली बीज मिलता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर वो बेचारा किसान करेगा तो करेगा क्या? मैंने से पता किया कि मुआवजा किसानों को दिया कि नहीं दिया? पाला पड़ा था आपके वहां, सर्दी पड़ी थी तो आप लोगों को पाला में मिला क्या मुआवजा? अगर जयपुर के अखबार पढ़ो तो उसमें लिखा गया है कि आप लोगों को बिजली की सस्ते दाम में और आपको पैसे का एक अच्छा पैकेज बना के आप लोग सबको दे दिया गया है। और आपसे जब भी मैं पूछती हूँ तो सब लोग हाथ ऊपर करके कहते हैं कि हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। तो बताओ मुझे कि आप लोगों को जो ऋण बिना ब्याज के ये 1,50,000 का किसी को मिला? किसी भी किसान भाई को मिला? फसल बीमा की क्या स्थिति है? मिल रहा है किसी को? इधर नुकसान होता है तो किसी को फसल बीमा मिल रहा है? आपको याद है भारतीय जनता पार्टी के टाइम में फसल बीमा की क्या स्थिति थी? मेरे सर, फसल बीमा की क्या स्थिति थी आप लोग सब जानते हैं, मिलता था कि नहीं मिलता आपको बीमा? मिलता था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अपने किसानों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया, आज ये बिल्कुल नहीं कुछ कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमें वोट दो। कोई भी प्रदेश का अगर किसान कमजोर है तो वो प्रदेश आगे नहीं जा सकता है। और इसीलिए हमारे किसानों को मजबूत करने का काम ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी भी सरकार पे है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ हमारे किसान भाइयों कि आप लोगों को आगे रख के काम करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं और वो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके बिजली पानी का इंतजाम हम करेंगे। एक और ध्यान में आपको दिला दूं, जयपुर के अंदर बैठ के सब लोग नक्शे बनाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जयपुर में बैठ के नक्शे बनाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि किसी को जयपुर के अंदर ये नहीं मालूम है कि क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है। ये जरूरी है कि अगर नक्शे बनाना है, काम अगर करवाना है,
तो यहाँ के लोगों के साथ बैठ के उनसे पूछ के और उसको क्षेत्र के अंदर लगाने की हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। जयपुर में हम सोचते हैं कि यहाँ पहाड़ है क्योंकि हमने नक्शे में देखा, परंतु इलाके में जाके देखो तो बिल्कुल ही दो हिस्से हैं और वहां कुछ अपन काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए जब तक हम सबसे बात नहीं करेंगे तो मैं समझती हूँ कि वो काम भी अपना नहीं हो सकता है। और इसलिए मैंने कह दिया है कि जो भी काम होगा वो आपके साथ बैठ के आपके साथ तय करके और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने का काम हम मिलकर करेंगे, तो फायदा आपका होगा, नुकसान नहीं। मैं सब लोगों को ये कह रही हूँ कि आज जो हमारी स्थिति हो रही है वो आप टेलीविजन देखते हो, आप ये सब लोगों को देखते हो और आपके मन में जलन होती है कि ये हमारे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं हो रहा है। आज 65 साल निकल गए इस राज के, इसमें अगर मेरे 5 साल निकाल दीजिए और भैरव सिंह जी के 7 साल निकाल दीजिए तो 53 साल अपन ने सीधे कांग्रेस को दिया है। और आपको याद है कि 53 साल के अंदर अगर वहां 15 में चमन हो सकता है, वहां 10 में चमन हो सकता है, तो 53 साल में चमन क्यों नहीं हुआ। मैं जानती हूं कि अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति को यह दिया गया होता तो यहां 53 साल के अंदर चमन हो जाता, आप लोगों को कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं होती। याद दिलाओ, जब हमारी सरकार आई थी पहली दफा तो बीमारू प्रदेश था, इस प्रदेश को बिल्कुल गड्ढे में डाल के रखा हुआ था। आप लोग सबने हमें यह कहा कि इसको निकालो गड्ढे में से निकाल के और राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करो। हमने ये काम किया। उस समय महानरेगा कितने जोरदार तरीके से चल रही थी भाइयों, आप सबको मालूम है। आज उस दिन 26 लाख लोगों को नौकरी देने का काम हम लोगों ने उस महानरेगा के द्वारा किया। 13,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा यहाँ भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है और आज 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने जिनने काम किया था महानरेगा के अंदर, उन लोगों ने जो परिसंपत्ति बनाई, उस परिसंपत्ति की वजह से राजस्थान आगे बढ़ा। हम और वो सब लोग पार्टनरशिप में चल के आगे चला के राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने का काम हम लोग सबने मिलकर किया। आज हम फिर से गड्ढे में पहुंच गए, आज हम फिर से सब लोग गड्ढे में पहुंच गए। और मैं आप लोग सो यहाँ बैठे हुए हैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग, क्योंकि ये पुराना राजस्थान अब अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता, क्या आप में इतनी शक्ति है कि हम लोग सब मिलकर एक ऐसा सुंदर नया खुशहाल समृद्ध राजस्थान बना सकेंगे? इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतनी मंशा है? क्योंकि अगर है तो हम लोगों को सबको मिलकर ये तय कर लेना चाहिए कि एक ऐसा राजस्थान बने जो फिर से अपने ऊपर के, मैंने यही समझिए कि बात जिस तरीके से गुजरात है, जिस तरीके से तमिलनाडु है, उस तरीके से और उससे ऊंचा राजस्थान को ले जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। हमारे बच्चे पलायन नहीं करें, यहाँ रहे, यहाँ रोजगार करें, हमारी माता बहने अत्याचार से मुक्त होके इज्जत के साथ अपने क्षेत्र के अंदर चल सके, ऐसी स्थिति हमें करनी है। जिस घर के अंदर उसकी माता और बहन की इज्जत नहीं है वो घर क्या काम का, वो घर आगे चलेगा तो चलेगा कैसे। हमें चाहिए कि इस नए राजस्थान के अंदर उनकी ताकत हो, उनकी सुरक्षा हो और उनकी इज्जत हो, ऐसा राजस्थान हो। उसके साथ साथ व्यवसाय यही लगे, फैक्ट्रीज यही लगे, किसान मजबूत हो, क्या ऐसे राजस्थान की तैयारी में आप लोग हो? क्योंकि अगर ऐसा राजस्थान करना है तो उसमें मेहनत बहुत लगती है। मैं तो मेहनत करने को तैयार हूँ, परंतु एक के मेहनत पे, एक एमएलए की मेहनत पे या एक मेरे मेहनत पे ये कुछ चलने वाला नहीं है। चलेगा तो ये पूरे जादू, आप लोग सबके जादू पे, आपका जादू छूट जाएगा तो पूरा प्रदेश बदल जाएगा। उसके अंदर कोई जात अलग नहीं होगी, उसके अंदर कोई मजहब अलग नहीं होगा। ये तो कांग्रेस का तरीका है, उन लोगों ने हमेशा मजहब मजहब को बांटा, जात जात को बांटा और बांट के उसका फायदा फूल उठा के अपने यहाँ अपने वोटों का फायदा किया। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि एक परिवार के रूप में हम आगे बढ़ेंगे तो विकास राजस्थान का होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो तैयार हो, आप करने को तैयार हो सब लोग? 4 महीने बाकी हैं भाइयों, आपके पास आके सौगातें बट रही हैं। कोई कहता है कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो पैसे ले जाओ, कोई कहता है कि चावल नहीं है तो पैसे ले जाओ, कोई कहता है तो लुगड़ी नहीं है तो पैसे ले जाओ, कोई कहता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है आप पैसे ले जाओ, बच्चे हैं तो कुर्ता पैजामा ले जाओ, और अगर आपको घर बसाना है तो थाली और 2 कटोरी भी ले जाओ, सब ले जाओ, बस हमको वोट देना। पर इतना आप लोगों को कहना होगा, ये सब का सब पैसा जो है, ये सब अपना पैसा
जाता है, यह आपके जेब में से जा रहा है। इसलिए याद रखना कि झूठ और भ्रष्टाचार जो पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है, कहीं जीव जमीन का माफिया, कहीं पानी का माफिया, अलग अलग किस्म के माफिया लग रहे हैं और सब लोग अपने जेब के अंदर पैसा डाल रहे हैं। और ये कुछ भी भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो बिना मुख्यमंत्री के जाने पहचाने नहीं हो सकता था। पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार में डूबा है और उसके मुखिया है हमारे अशोक गहलोत जी, और वो सब चीजों को जानते हैं। आज रॉबर्ट वाड्रा ने आके जमीन ले ली और जमीन के ऊपर इतना पैसा बनाया और मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे मालूम नहीं रॉबर्ट वाड्रा कौन है और कब आया। ऐसा हो सकता है कि सोनिया गांधी का दामाद राजस्थान आए और राजस्थान के कांग्रेस का मुख्यमंत्री उसके सामने ना खड़ा हो या उसकी मदद ना करे, ऐसा हो सकता है। परंतु कह रहे हैं खुलेआम झूठ बोलना। मैं ये कह रही हूँ कि अब जनता ने बहुत सह लिया है, अब हम लोगों ने तय करना है कि आने वाले समय के अंदर ये पूरा परिवार एक होगा और पूरा परिवार एक होके किसी से बिना डरे अपना काम करेगा। जब समय आएगा तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने झूठ बोला है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने महिलाओं के, बच्चों के, किसान की परवाह नहीं की है, ऐसे लोगों को एक मिनट भी उस कुर्सी पे बैठने का मौका देंगे नहीं। ये मैं विश्वास करके यहां से जा रही हूं। आजकल सीबीआई नाम की एक चीज आ गई है, आपने सीबीआई का सुना होगा। सीबीआई तो एक ऐसी चीज थी जो गरीब जनता को एक समय में मदद करती थी। कहीं मर्डर हो जाए, कहीं कुछ हो जाए तो सीबीआई को दे देना का मतलब ये था कि सीबीआई आएगी, उसको संभाल लेगी। अब मेरे पास गरीब आए तो उन्होंने ये कहा कि हमारे गांव के अंदर एक बड़ा केस हो गया है, उस केस के लिए जरा सीबीआई को आप पहुंचा दीजिए। मैं उन सबको ये कह दिया कि सीबीआई अब आप गरीबों के लिए नहीं है, वो तो नेताओं के लिए बन गया है, पूरा उसका राजनीतिकरण हो गया है। कभी गुलाब जी कटारिया, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं लगा सकता, इतना पाक व्यक्ति है, उसको जेल में डालने की वो फिराक। अनीता गुजर के पीछे पड़ के उसको डालने की कोशिश, राजेंद्र राठौड़ के पीछे डालने को उसको तो डाल ही करा। हम लोग सबके पीछे कोई ना कोई लगा हुआ है। मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इनसे एक रत्ती भर डरी नहीं है ना बेचैन है। हम लोग लड़ेंगे, हमने वायदा और संकल्प किया है कि हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए हमको अपना बूंद बूंद खून भी देना पड़ेगा तो वो देने को हम तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और ये परिवर्तन के लिए हम सबको आगे बढ़ना है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ इतने सारे युवा बैठे हुए हैं। मैं मानती हूँ कि जब भी बहुत बड़ा परिवर्तन कहीं होता है तो सबसे पहले युवा शक्ति सामने खड़ी हो जाती है, और इसीलिए युवाओं को देख के मुझे अच्छा लगा और माताएं बहनों को देख के भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब माताएं बहनें वहां हैं, युवा वहां हैं, और जब वो तैयार हो गए कि हम आगे चलेंगे तो उनके पीछे हमारे बुजुर्ग और भाई चलेंगे तो चलेंगे ही चलेंगे, और राजस्थान के अंदर वो बदलाव आएगा ही आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज भाइयों, आपको डराए, आपको धमकाए, सबकी सुन लेना, पर करना वो जो राजस्थान के लिए और आप सबके भविष्य के लिए ठीक है। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग सबसे इतना ही आह्वान करने आई हूँ कि आप गलती नहीं करेंगे, अपन इस बार अपने को सबको साथ देना है। और मैं आप लोगों को तो दाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो कभी गलती करते नहीं हो। ये तो एक वो क्षेत्र है जो इसने कभी गलती नहीं की, परंतु आप छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने अधिक और अटल रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आपके सबके बाहों में और आपके सबने एक बहुत जोरदार शक्ति है, इसलिए साचोर ही नहीं, आप साचोर से लगे हुए जहाँ आपके क्षेत्र है, जहाँ आपके जान पहचान के लोग हैं, उन लोग सबको, और सिर्फ जाति और मजहब के नहीं, ये कहके कि राजस्थान का परिवार है और राजस्थान के परिवार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और साचोर से ही लड़ाई लड़ने की शुरुआत करिए। आगे आज आस पास सब लोगों को कहिए, सब जुड़े तो जालोर और सिरोही और पाली, इन सब की सीटें इस बार अपने को लेके चलना है। मैं आपको विश्वास देना चाहती हूँ, घबराए हुए हैं सबके सब, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता जब आंख टेढ़ी कर देती है तो वो बहुत मुसीबत का काम होता है, और जनता ने अपनी आंख टेढ़ी कर ली है, ये अब हम सबको मालूम पड़ेगा। आने दो समय, एक चीज मुझे विश्वास है कि आप तो अपना तो करोगे और दूसरे लोगों को भी साथ लेके चलोगे। इसलिए एक जोरदार नारा राजस्थान के लिए मेरे साथ, जय जय राजस्थान, जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आपको बताऊं, मैं आपके साथ और मैं पैर रखने को जगह नहीं है,
ये मेरे को बार बार फोन कर रहे, कहाँ है आप, कहाँ है। मैंने कहा तुम्हारे शहर के अंदर देखो तो सही क्या स्थिति है। एक तो तुम अपना पोस्टर लगा रखे हो, जहाँ तुम्हारा पोस्टर है उसके नीचे आदमी है, जगह 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 सब आदमी आदमी आदमी। अब इनके बीच में से मेरे को निकालने की कोशिश कर रहे हो। तुम तो मंच के ऊपर बैठे हो, हम तो बड़ी मुश्किल से उसमें से निकल के आए, और आज इतना बड़ा भारी सैलाब देख के, इतने बड़े परिवार को देख के मुझे ही बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे में भी ऊर्जा बनी है। और मैं जानती हूँ कि आज से लेके हम फिर और दौड़ेंगे, क्योंकि अब करीबन 156 मीटिंग हो गई है और 12,200 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, और मेरे को अब 2-3 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट बाकी बच रहे हैं। तो 200 डिस्ट्रिक्ट के एक एक क्षेत्र के ऊपर जाने का दिमाग पर इरादा है, और मैं समझती हूँ कि पूरा परिवार एक होके अपना काम करेगा। और एक से जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और जोरदार नारा जय जय राजस्थान, और जय जय राजस्थान, बहुत बहुत सारा प्यार। घोटाले घोटाले हैं सब जमा कर रहे मिलकर ना पानी है ना मानी है, हम साथ चले तो बहन चले रामदेव पूरे चरप